इसके बाद देखिए सभी लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि बेटा हाथ कट गया करोगे क्या, कैसे किए हो जी? सच्चाई है जी, क्योंकि लेकिन हाथ नहीं कटता है, ये दिमाग कट जाता है जी। आप बहुत परिपूर्ण है, एक वीडियो में आप आज ही देखिए गरीबी जीव की नाश है। कक्षा छः में यहाँ पे छः के बच्चे सभी है, मैं भी छः में पढ़ता था और छः में ही पढ़ के एक तरफ पढ़ाई भी करता था, एक परिवार भी जिलाता था, टेंट हाउस में काम करता था जी। गया ऐसे उस जो होता है ऐसे उठाया, हमसे संभाल नहीं पाया, औकात हमारी इस बच्चे की क्या औकात है जी, है ना बहुत। अभी छुट्टा पाइप है, क्या करेगा। 28 अप्रैल 2004 की बात है, ऐसे उठाया संभाल नहीं पाया, जाके टेक ले लिया दोनों हाथ और पैर भी काटने के, पैर से भी बोला कि इसको भी काटना पड़ेगा, 2-3 किलो मांस इससे भी काट दिया जी। तो माँ बाप को मैं तो ही दोष दूंगा, आज वही माँ बाप गर्व भी करते हैं कि मेरा बच्चा भी जिंदा है। बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं, ये मैं नहीं कहता, पूरा हिंदुस्तान कहता है। आज तक आप लोग ने देखा नहीं होगा कि बच्चों का मतलब इस तरह से वीडियो और इस तरह से इंटरव्यू काफ़ी समय हो गया मुझे खुद किए हुए, लेकिन फिर बिहार वही बिहार पहुंचा जहां से लोग कहते हैं कि IS PCS का लोग अपने आप में एक अहम भूमिका निभाते हैं। उसी में से यही वो बच्चे हैं जो कल जाके IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, अधिकारी रैंक बन के दिखाएंगे और फिर से एक बार बिहार को अपना बिहार बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। मैं पहुँच चुका हूँ बिहार। बिहार की कहानी आप लोग जानते हैं कि है क्या, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों से जानेंगे कि बिहार की हकीकत सच्चाई क्या है। तैयारी आज की डेट में अगर कोचिंग नहीं करेंगे आप तो कभी तैयारी पूरी नहीं हो पाती। एक ज़माना हुआ करता था कि हम सब कुछ स्कूल में ही कर लेते थे, लेकिन अब स्कूल के दायरे से हम बाहर हो गए हैं, ये भी सच्चाई है। आइए इनसे ही जानते हैं कि हकीकत क्या है, कितना ये लोग स्कूल में पढ़ते हैं और कितना इस क्लास में पढ़ते हैं। आप देख लीजिए ये लोग गाँव में है, ग्रामीण अंचल में इस तरह से है, अपने फैन लगा हुआ है। गर्मी ऐसे भी गर्मी बहुत काफ़ी है, फैन वो तो सर का बहुत श्रेय है, हम लोग के ज़माने में फैन भी इस तरह से जो देख रहे हैं, टेबल लगा हुआ है, हम लोग तो बोरिया बिछा के, मतलब बोरिया समझ रहे हैं, बोरिया बिछा के ऐसे किया करते थे। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी राज। रोशनी जी क्या कर, कितने में पढ़ती हैं? 6th क्लास। रोशनी जी 6th क्लास में पढ़ती हैं। तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं आप? नवोदय। कितने दिनों से कोचिंग करने आ रहे हैं? 1 साल से। आपके स्कूल से और कोचिंग में क्या फर्क? कोचिंग से ज़्यादा सफर, कोचिंग नहीं होता तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। टीचर थी बच्चा से काफ़ी तो बच्चे हैं, टीचर क्या वहाँ का टीचर नहीं पढ़ा पाता ऐसा? यहाँ का मुख्यमंत्री कौन पता है? कौन की तैयारी करने के बाद क्या उद्देश्य है, क्या बनना चाहेंगे? आर्मी डॉक्टर बनना। क्यों आर्मी डॉक्टर? फिर रोशनी सच्चाई है, कहीं ना कहीं सबके मन में एक अलग होता है कि हम अलग अलग जगाएंगे और अपने देश के प्रति समर्पित। आज की डेट में लड़कियां बहुत आगे हैं और जिस तरह से बता रही हैं कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो इनके शुभकामनाएं हमारी जिस तरह से पढ़ रहे हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा है। अब देख रहे हैं इतने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, एक लोग नहीं है जिसका बड़ा पहली बार जिस तरह से अगर देखा जाए तो मैं भी पढ़ता था ऐसा ही भीड़ भाड़ लगा और भीड़ भाड़ लगता था तो कभी लगता था कि यार हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से सब बच्चियाँ बैठी हुई हैं, ज़्यादातर यहाँ पे लड़कियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और बच्चे भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? देखिए पहला बच्चा है जो इस तरह से खड़े होकर के, संस्कार है, यही संस्कार है। ये बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े अलग बात है, लेकिन अब तक आपने देखा होगा ये संस्कार है। इसको जो भी दिया है उसको मैं धन्यवाद कहूँगा कि मेरे बातों का जवाब इस तरह से खड़ा होकर दे रहा है। ये वीडियो बताएगा आपको और बच्चों में आप लोगों ने देखा होगा कि संस्कार क्या है। वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन पहले लोग संस्कार देते हैं, इसका संस्कार पहले तो सलूट करता हूँ मैं आपको।
इस तरह से आप जवाब दे रहे हैं और आप ये लक्ष्य का आपके कदम छूने की जहाँ तक मुझे लगता है। क्या नाम हुआ आपका? गोविंद कुमार साहब। क्या मतलब मन में चल रहा है, क्या करना चाह रहे हैं? क्रिकेटर बनना चाहते हैं? अरे वाह, खेलते हैं आप? चलिए बहुत अच्छा लगा। और आप बनेंगे इसलिए कि आपका देखिए जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं, देखिए सब कुछ पढ़ाई पे डिपेंड नहीं होता है कि कल बड़े हो जाएंगे तो पढ़ाई ही लोग पीछेंगे, है ना। जो क्रिकेटर जो बता रहे हैं कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, क्रिकेटर का भगवान कहा जाता है। हाई स्कूल का फेलियर था सचिन तेंदुलकर, आप इस बात को जानते होंगे, हैं। तो जो फेलियर का भगवान बन सकता है तो आप भी पढ़ेंगे, ये आपके संस्कार बता रहे हैं कि आप जाएंगे। और मेरी शुभकामना है आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूँगा और आप अच्छा करिए और अच्छा पढ़िए, लेकिन हाँ जो लक्ष्य है बेटा उसको करना है। क्रिकेटर आप बनो, अच्छा से खेलो, खेलने जाते हैं क्रिकेटर। अगर क्रिकेटर बनने का देखा जाए तो कई बार में मतलब एक ओवर हो जाता है, सिक्स बॉल। अरे वाह, तो आप क्या पसंद करते हैं, बॉलिंग करना पसंद करते हैं या फिर बैटिंग? बैटिंग बनना। अरे वाह, देखिए इस तरह से है कि बैटिंग करना मन में विश्वास है। मैंने ठाना इसको, आप देख सकते हैं। क्या नाम बताया? गोविंद कुमार। तो गोविंद कुमार के लिए पूरी हमारी शुभकामना है कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चे का भविष्य खराब ना हो और जो उनके मन में चल रहा है अच्छा से चले। और इन्होंने बताया भी है, संस्कार इनका बता रहा है कि नहीं उसका भी हम बन लेंगे। शुभकामना है गोविंद, एकदम शुभकामना है, हम कुछ नहीं पूछेंगे, तुम्हारा संस्कार बता रहा है ना हमारा। अरे रंजन जी गाना वाना गाते हैं? गाना नहीं गाते हैं? अरे बिहार तो गाना गा के सब प्रसिद्ध हो गया, हीरो की तरह दिख रहा है। फिल्म में नहीं जाना चाहते हैं काहे? किसमें इंटरेस्ट है बताइए, जिसमें है? जज बनेंगे? अरे बाप रे बाप, तो जज बनने के लिए तो पढ़ाई बड़ा तगड़ा करना पड़ेगा, जानते हैं ना, कर जाएंगे पढ़ाई, कर पढ़ते हैं। चलिए जज बनेंगे, देख रहे थे बने चाहे ना बने, लेकिन है हौसला, है हौसला नहीं हारना है कि नहीं, जो हमारे दिल में उसको करना ही कर रहा है ना। कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, है ना। इस जमाने में कुछ नहीं मुश्किल है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, इस तरह से, है ना। अच्छा आप लोग में कौन है जो गाना वाना गाता है? कोई नहीं है यार, का पहला क्लास लगा है जिसमें लोग गाना नहीं गाते हैं। चलिए सर से आप जानते हैं कि सर कितना अच्छा लगा एकदम आप लोग के साथ बात करके, और सर कितना पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। क्या भाई, क्या नाम है आपका? आदर्श। आदर्श जी कितने पढ़ते हैं? हम तो सिद्धर जी आदर्श जी को दिखाइए, सिक्स में पढ़ते हैं। अरे तैयारी भी करते हैं, इतना पढ़ते ही हैं, किस चीज़ का? देखिए हम सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी में? अच्छा सरकारी में नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं सरकारी में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल यहाँ का सही नहीं है? अच्छा पढ़ाई नहीं होता, देख लीजिए भैया आप लोग अक्सर वीडियो देखते होंगे तो सरकारी स्कूल में लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल सिर्फ टीचर आता है और आके अपना वेतन लेता रहेगा, पढ़ाई जाए ध्यान में, क्या मतलब है? आज सभी बच्चे हमें तो नहीं। अच्छा कितना बच्चे हैं जो कि सरकारी में पढ़ते हैं? कौन सरकारी में पढ़ता है? आप पढ़ते हो बेटा? और सभी लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं? आप सोच लीजिए कि यहाँ पे लमसम 50 से पारी बच्चे होंगे, 50 में से एक बच्चा है जो सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, क्या नाम है? तो वहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, उनका नाम बताओ। अच्छा उसमें तो फ्री पढ़ाई होता होगा, अच्छा पढ़ाते हैं लोग, सारी व्यवस्था ठीक है? तो ये लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं, या तो आप घर के से कमज़ोर हो गए, ऐसा ही कुछ है? हाँ अच्छा प्राइवेट वाले, तो फिर सरकारी में उठा सकता सरकारी में पढ़ा। चलिए एक बच्ची है जो सरकारी स्कूल में पढ़ती है और अच्छा पढ़ती है, जिस तरह से छः में पढ़ा हुआ आज की तैयारी करती है,
और देख लीजिए सरकारी में पढ़ती हैं फिर भी नौ दस, बाकी आप देख रहे हैं इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों में से एक बढ़ जाएगा शुभकामना हमारी है, इतने बच्चे हैं सभी में से एक बच्ची सरकार, सोच लीजिए कि सरकार को आप क्या कहें, यहाँ के सरकार को क्या कहें कि एक बच्ची है जो सिर्फ सरकारी, बिहार में एक ही बच्ची है, आज गर्व है हमें कि चलिए एक जिस तरह से अगर देखा जाए एक टीचर अगर सरकारी टीचर को कह देंगे कि अपने बच्चे को आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओ तो नहीं पढ़ाएगा, तो जानता है कि पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन पढ़ने वाले कहीं पढ़ेंगे चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। अब हमारे बीच में सर जो इन लोगों की तैयारी, क्या नाम हुआ सर आपका? मनीष कुमार नाम हुआ। मनीष कुमार जी, जिस तरह से आप बच्चों की तैयारी करवाते हैं और क्या क्या करवाते हैं आप? सर यहाँ CBSE और BSE की दोनों क्लास के बच्चे पढ़ते हैं और प्लस नवोदय सैनिक सिमुतला आरके मिशन और विभिन्न कॉम्पिटेटिव क्लास का भी तैयारी कराया जाता है विभिन्न शिक्षकों को। जिस तरह से देखा जाए बिहार, बिहार शिक्षा को लेकर अगर कहीं ना कहीं हमेशा दब जाता है, उसी बिहार के लड़के टॉप भी कर जाते हैं, तो ये प्राइवेट का चमत्कार है या फिर सरकारी का? अगर मुख्य रूप से बोला जाए सर तो प्राइवेट का ही चमत्कार, क्योंकि बच्चे वहाँ जाते हैं उस तरह से उसको फोकस कराया जाता है, उस तरह से उसका टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट सीरीज चलाया जाता है ताकि बच्चे के पढ़ने के प्रति ज़्यादा जोश हो और फिर वह। मैं आपके बाणी को रोकना चाहूँगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्राइवेट की बात जी, कितने आपके यहाँ सभी लोग सरकारी स्कूल क्या होता है कि नौकरी करते होंगे प्राइवेट में पढ़ाए, आप भी जानते हैं कि प्राइवेट में पैसा लगता है। अब जिस तरह से वो बच्ची कर रही है, यानी आपके पास 50 लड़के हैं, चलिए 100 नहीं मानूंगा मैं 50 ही मानता हूँ, 50 में एक लड़की है वही गरीब है बिहार में, आपके ही क्षेत्र में इतने क्षेत्र में वो लड़की सिर्फ गरीब है, आपको ये लोग सभी लोग धनी हैं, बिहार सबसे पिछड़ा इलाका है, आप भी इस बात से अवगत हैं, बहुत भली भांति जानते हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा इलाका है, वही लड़की है जो इतनी पिछड़ी हुई है। नहीं तो फिर फैमिली बैकग्राउंड के कारण भी इस तरह से होता है। अरे सर कितना ये सभी लोग फैमिली बैकग्राउंड से अच्छे होंगे सभी लोग, फिर गार्जियन का उस तरह से नहीं, शिक्षा का अभाव है सर, गार्जियन को नहीं है ये मत कहिए, आप हैं ना यहाँ, आप भी अगर कल टीचर हो जाएंगे सरकारी के नहीं पढ़ाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ सर, बुरा लगेगा मेरी कड़वी थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ये कह रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, आप यहाँ पे कैसे टीम जल रहा है फिर भी इसमें आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन कल आप नौकरी पा जाएंगे तो आप खुद नहीं अपने बच्चे को पढ़ाएंगे सरकारी में, आप बताइए पढ़ाएंगे आप? नहीं पढ़ाएंगे। देख लीजिए आ गई बात, इसलिए भैया कि सरकारी में यही टीचर लोग जाते हैं और नहीं पढ़ाते हैं कारण है। सर देखिए सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है तो पब्लिक की संपत्ति, सभी आदमी उस तरह से उस बात को समझे तब ना सर, मैं पहले हमें समझना होगा सर, पहले हम मान लीजिए हम समझ रहे हैं लेकिन उस तरह से मेरे जो ऊपर वाले सीनियर है वो नहीं समझ रहे हैं। आप जैसे व्यक्ति ही उस सरकारी स्कूल में पढ़ाता है उड़ के नहीं आता है, आप जैसा ही लोग इस तरह से बन गया, सिस्टम को ठीक करना पड़ा किसी तो कौन करेगा सर, कौन करेगा, हम ही लोग करेंगे, एक प्रधानमंत्री पूरे देश को चला रहा है, आप पूरे प्रधानमंत्री पूरा देश है कि एक है? एक ही है। तब कैसे कह रहे हैं कि एक? ऐसा ना कहे सर, आप टीचर हैं, मैं ज़्यादा सवालात आपसे नहीं चाहूँगा, थोड़ा सा वो होगा, इसको आप मत लीजिए अन्यथा में मत लीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं सही क्वेश्चन पूछे हैं, बुरा मत मानिएगा हमारी बात को, क्योंकि देखिए सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, टीचर को अगर पेमेंट मिलता है, पुलिस को पेमेंट मिलता है, जितने भी सरकारी टीचर है सबको एग्रेसिव होकर इस तरह से वर्क करना पड़ेगा, सबको में एकजुटता होना चाहिए, सभी वर्क करेंगे तो बच्चे यहाँ जो पढ़ते हैं नवोदय का तैयारी करते हैं। अब सर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, नवोदय में सिलेक्शन के लिए रीजनिंग चाहिए और सरकार क्या यह मतलब है कि जो बच्चा 5 क्लास में अपीयर होगा वही नवोदय में मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं, तो जब सरकारी स्कूल में रीजनिंग का बुक है ही नहीं, ठीक, जब सरकारी स्कूल में रीजनिंग का बुक है ही नहीं तो नवोदय का तैयारी सरकारी स्कूल में कैसे हो? रीजनिंग कब पढ़ाया जाता है अब हमको बता दीजिए, ठीक है आपकी बात से मैं सहमत हूँ लेकिन रीजनिंग कब पढ़ाया जाता है, रीजनिंग कौन सा विषय हमको बता दीजिए, कौन से विषय में रीजनिंग आप पढ़ाते हैं हमको ये बता दीजिए। नवोदय में एक सिलेबस है सर जिसमें 40 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है, तार्किक क्षमता जिसको कहते हैं सर, बोलिए हम समझ तो वो वही सब्जेक्ट जो है सरकारी में है ही नहीं तो कहाँ से बच्चा तैयारी करेगा, आप भी जानते हैं सिस्टम ठीक करना पड़ेगा ना रीजनिंग जी। आप जब बिहार बोर्ड से पढ़ेंगे यूपी बोर्ड से, ऐसे बोर्ड की मैं बात कर लेता हूँ, नवोदय को गोली मार दीजिए, जब बच्चा हाई स्कूल इंटर जब पास करता है तब उसे पता होता है कि रीजनिंग क्या है, आप भी सभी बच्चे रीजनिंग जानते हैं, ठीक है जी, आप बता रहे हैं ना जी, लेकिन आप भी अगर जाने यहाँ पर सरकारी स्कूल के जो टीचर है उनको भी पता नहीं है कि रीजनिंग क्या है, लेकिन फॉर्म वो भी भरते हैं, सही बात,
यही तो बात है, तो इसीलिए बच्चे यहाँ आते हैं सर। नहीं ठीक है, आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं शुभकामना हमारी है, और आप समय दे रहे हैं और तैयारी भी करवाते हैं। जी जी, तो तैयारी वाला बैच कब चलता है आपका? सुबह चलता है। सुबह चलता है, किस चीज़ का तैयारी कराते हैं सर? मतलब जनरल कंपटीशन बताया, जनरल कंपटीशन का। चलिए, ये हमारे बीच में सर हैं, सर पढ़ाते हैं ऐसे बच्चों को, और इस तरह से थोड़ा सा सर हम आपसे भी कुछ पूछना चाहते हैं। बेशक एकदम, हम भी आपसे बहुत चीज सीखते हैं सर। हाँ लीजिए, पूछिए। पहला क्वेश्चन ये है सर, बोलिए कि जैसे आपका ये हाथ जो है कट जाने के बाद आपके मन में क्या आया, कैसे हुआ सर, इसके बारे में? देखिए सभी लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि बेटा हाथ कट गया, करोगे क्या, कैसे किए हो जी? सच्चाई है जी, क्योंकि लेकिन हाथ नहीं करता है, ये दिमाग कट जाता है जी। आप बहुत परिपूर्ण है, एक वीडियो में आप आज ही जा रहा हूँ, आप देखे होंगे, उसके हाथ भी था, पैर भी था, सुंदर भी था जी, लेकिन कहाँ से खत्म था, यहाँ से खत्म जी। जिस दिन यहाँ से खत्म हो जाएंगे ना, फिर भी मानसिक रूप से आदमी तो बीमार हो जाता है ना जब कुछ। मानसिक रूप से कारण है बीमार होने का ना जी, क्यों बीमार हो जाते हैं? मैं भी अगर मैं सोचता कि मेरा हाथ कट गया जी, तो मैं भी चुपचाप घर बैठता, तो शायद आपसे हमारी मुलाकात नहीं होती। होती कभी कभी, हम आपको जानते हैं, हमको हमारे जैसे हमारे ही जिले में जाएंगे तो 55 लोग हैं जिसका दोनों हाथ नहीं, आप जानते हैं उनको? नहीं जानते, सिर्फ जितेंद्र को क्यों जानते हैं? फिर आपके अंदर इस तरह से एक्सप्रेशन आया कैसे, क्या कैसे किया? देखिए ये हुआ कैसे सर, तो पहले इसको बताइए हुआ कैसे। देखिए गरीबी जीव के नाश है, कक्षा 6 में यहाँ पे 6 के बच्चे सभी है, मैं भी 6 में पढ़ता था, और 6 में ही पढ़ के एक तरफ पढ़ाई भी करता था, एक परिवार भी जिलाता था, टेंट हाउस में काम करता था जी। गया ऐसे उस जो होता है ऐसे उठाया, हमसे संभाल नहीं पाया, औकात हमारी इस बच्चे की क्या औकात है जी, है ना, बहुत अभी छुट्टा पाइप है, क्या करेगा है? 28 अप्रैल 2004 की बात है, ऐसे उठाया संभाल नहीं पाया, जाके टेक ले लिया दोनों हाथ और पैर भी काटने के, पैर से भी बोला कि इसको भी काटना पड़ेगा, 2.5-3 किलो मांस इससे भी काट दिया जी। तो माँ बाप को मैं तो ही दोष दूंगा, आज वही माँ बाप गर्व भी करते हैं, मेरा बच्चा भी जिंदा है, हम मम्मी पापा है, हमारे बीबी है, हमारे दो बच्चे हैं जी जी। आप ऐसे पंजाब के रहने वाले थे जी? मैं मेरा पैतृक आवास अगर देखा जाए तो मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर था, बाकी देखिए नमक रोटी के चक्कर में पंजाब जाना पड़ा, पंजाब जाके मैं अपना काम करने लगा, यहाँ के जॉब भी करता रहा, तो जॉब में उत्तर प्रदेश और बिहार खास तौर से मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न तो हमसे आप हम करेंगे आप, बेशक करिए, कि आपका हाथ न रहते हुए भी और ये जॉब भी करते हुए कंप्यूटर वाला वो कैसे टाइप कर लेते सर, कैसे संभव है? अगर आप टीचर हैं जी, सपोज दैट, समझिए अगर मैं कहूँगा कि सर आप मुझे लिखना बताइए, तो आप हाथ से ही लिखना बताएंगे, और मेरे पास हाथ नहीं है। आपसे कहूँगा कि सर मुझे मोबाइल चलाना बताइए, तो आप हाथ से ही मोबाइल चलाएंगे, मेरे पास हाथ नहीं है। आपसे कहूँगा कि सर मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाइए ना, तो आप हाथ से ही बताएंगे, और जितेंद्र के पास हाथ नहीं है जी, कहाँ से सिखाएंगे आप? से हम तो आपको वीडियो में देखे हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, है ना, तो अपने भी घूमते हैं, यहाँ सबको घुमाते हैं, सब चीज़ करते हैं कंप्यूटर। आप तो एक वीडियो में बोले हैं कि जो हाथ वाला जितना स्पीड नहीं टाइप कर सकता उतना हम आज भी चैलेंज करता हूँ, जितेंद्र चैलेंज के साथ कहता है, अब मुझे अपने आप पे विश्वास है, इस धरती पे जो अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाएगा किसी पे नहीं कर पाएगा, मुझे अपने आप पे विश्वास है, ठीक है ना सर। मैं साइकिलिंग रेसिंग टॉप किया, आमिर खान से सम्मानित किया, अब मीडिया वाले हमसे पूछा कि सर आप कैच कैसे करते हैं, पकड़ते कैसे हैं? सच्चाई है, आप हाथ से ना बाइक को पकड़े हैं, मेरे पास आते हैं ना ये, तो कहाँ से पकड़ूंगा, लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास है, इस धरती पे जो अपने आप पे विश्वास नहीं करेगा वो किसी पे नहीं विश्वास कर पाएगा, जितेंद्र को खुद पे विश्वास है, जो चाहता हूँ वही होता है, यहाँ से होता है सर। आपसे हम लोग बहुत सीखते हैं सर, और आपका मतलब इस तरह के जज्बे को हम सलाम करते हैं, आपका जो चैनल भी है जोश एक्सप्रेस है ना सर, इसीलिए हम आपको मतलब तपते हुए धूप में आप तो खोजने निकल रहे हैं। ये तो सौभाग्य है, देखिए जितेंद्र इस तरह से नहीं है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं बनना है, आप मैं कल भी जीरो था, आज भी जीरो। और नौकरी क्यों छोड़ दिया सर? नौकरी छोड़ने का कारण था, देखिए कुछ तो कारण यूँ था कि मैं 100% जीत गया जी, आप समझिए, और उत्तर प्रदेश की नौकरी और बिहार की नौकरी में जैसे जैसे भी कोई फॉर्म निकले तो जियो तैयार होता है ना, तो जियो के आधार पे जैसे ही आप देखेंगे तो निर्देशक में दिया जाता है निर्देश में कि 65% वालों के लिए मतलब डिसबिलिटी के लिए है, और मेरा 100% है, तो सरकार के नज़रों में 100% मैं बहुत बड़ा ब्रिलियंट हूँ, लेकिन उसके नज़रों में मैं जीती जागती लाश हूँ, इसलिए मुझे हटा दिया गया।
हटा दिया गया जी। जो एक्सप्रेस शुरू कर दिया हाँ, फिर पंजाब चला गया। पंजाब में मैनेजर का पद था मेरा, मैनेजिंग करता था, वहाँ पर भी कंप्यूटर पे जॉब करता था जी। फिर वहाँ से फिर संसाधन मेरे पास नहीं थे। अबाउट आप खोलेंगे मेरे जोश एक्सप्रेस का, तो 2011 का मैंने चैनल बताया, साइबर कैफे में बना लिया था। अगर वहाँ से बनाता तो आज यूट्यूब का दौड़ा बहुत बेताब आता होता, लेकिन संसाधन विहीन। अब जो कुछ किया अपने से किया हूँ, अब कह रहे हैं ना, ना मेरा कोई गुरु है, ना मैं किसी को गुरु मानता हूँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, और सौभाग्य है हमारा और अल्फा एस सारे परिवार का सर कि आपसे हम मिले सर। और बच्चे हैं जो समझते हैं कि मैं हताश निराश होगा, उसके लिए मैं चैलेंज करता हूँ जी कि हताश निराश नहीं होना है, लड़ना है। हम तो कहते हैं अपने भी बच्चे समझते हैं, बेटा लड़ो अब देखा जाएगा। पहले के जमाने में, अब छोटी सी एक एग्जाम्पल दूंगा, पहले के जमाने में क्या हुआ था कि लोग खाना बड़ा प्यार से बैठा के खिलाते थे। आज छोड़ के नहीं खाएंगे तो खा नहीं पाएंगे जी। कोई बेटा किसी से पूछ लीजिए, ये लोग जाते हैं बबर सीटा होता है ना बेटा, तो जाते हो तो कैसे उठा उठा के खाते होता है ना। तो ये जमाना यूं हो गया है सर कि छोड़ के खाना पड़ेगा, और जो छोड़ के नहीं खा पाएगा भूखे मर जाएगा। तो जितेंद्र छोड़ के खाता है, इसलिए आज सक्सेस है, नहीं तो नहीं सक्सेस होगा। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे। चलिए थैंक यू सर, और आपने समय दिया मेरे लिए, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे यहाँ तक लाया, इसके लिए जितेंद्र आजीवन ऋणी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।